नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल प्लेनेट पांडे पर और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 27 जून से 3 जुलाई वाले सप्ताह के राशिफल की। अगर मेष राशि की बात करें तो देखिए, सप्ताह आपके लिए बहुत सारे मामलों में अच्छा है। धन का लाभ भी दिखाई दे रहा है और करियर में सफलता भी दिख रही है। आपको ध्यान रखना है अपने खान पान का, अपनी यात्राओं का और अपने वाणी पर ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि जो धन की स्थितियां हैं वो इस सप्ताह में आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी नए काम की तरफ आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होंगे, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। अगर छोटी मोटी भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं इस सप्ताह में तो उसको मत टालिएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, हालांकि शुरुआत के बाद बाकी सप्ताह आपके लिए ठीक है। करियर में सुधार भी दिख रहा है और कोई नई संपत्ति भी इस सप्ताह में आप खरीद सकते हैं। कहना सिर्फ इतना है कि जो महत्वपूर्ण काम है वो इस सप्ताह में आपको निपटा लेने हैं। कर्क राशि, धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं इस सप्ताह में। करियर में सफलता दिखाई दे रही है, परिवार के मामलों में थोड़ी व्यस्तता भी दिख रही है। इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का और अपने मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखिएगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी काफी व्यस्तता रहने वाली है। धन का लाभ होता दिख रहा है, रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। जहां तक संभव हो इस सप्ताह में बेवजह के विवादों से बचें, वरना विवादों की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। कन्या राशि, धन के मामले में, करियर के मामले में सप्ताह अच्छा है और इस सप्ताह में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो, कोई स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, कोई चोट चपेट ना हो, इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। तुला राशि, स्वास्थ्य का इस सप्ताह में बहुत ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी समस्याओं को भी मत टालिएगा। हालांकि धन का मामला आपके लिए अच्छा है और इस सप्ताह में बड़ों की सलाह माने तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम सप्ताह के अंत में करिएगा, उसमें लाभ आपको ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में दौड़ भाग रहेगी, हालांकि दौड़ भाग से आपको संपत्ति का और धन का लाभ भी होगा। वाहन इस समय खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। अपने डाइजेशन का और अपनी आंखों का इस सप्ताह में ध्यान बनाए रखिएगा। धनु राशि, सप्ताह आराम से बीतने वाला है। करियर में लाभ और बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह में दिख रहा है। सर्दी जुखाम और बुखार ना हो इस सप्ताह में उसका ध्यान रखिएगा और पैसे बेवजह खर्च मत करिएगा, क्योंकि पैसे तो ठीक हैं लेकिन बेवजह खर्च करने से मुश्किल हो सकती है। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग हैं आपके लिए। करियर आपका बेहतर हो रहा है, संतान पक्ष की उन्नति हो रही है। अपने डाइजेशन का, पेट का बहुत ध्यान रखिएगा और ऑफिस में या घर पे सप्ताह के अंत में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, उसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, धन की स्थिति बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तों की समस्या, शिक्षा की दिक्कतें, ये सब इस सप्ताह में हल होने वाली हैं। यानी सप्ताह की शुरुआत के बाद से ये पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर दिख रहा है। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं और किसी लाभकारी यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि देखिए, इस सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत रहेगा, जिस वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का थोड़ा ध्यान रखेंगे और करियर में अगर बड़े मौके आ रहे हैं तो उन मौकों को पकड़ लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहे तो पूरे सप्ताह में आप रोज सुबह पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। तो प्लेनेट पांडे की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।